एपीसी के सम्माननीय अध्यक्ष श्रीमान कॉलिन शाह जी, सभी पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी वर्ग एवं भाई और बहनों, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। सगळ्यांचं मी स्वागत करतो है। एक अनोखी तरह से हम आज मिल रहे हैं। हम सभी जानते हैं, सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र या हमारे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है। एक नया तरीका, नई लाइफस्टाइल हमें अपनानी पड़ रही है, वर्क फ्रॉम होम। मतलब कुछ दिन पहले तो घर से बाहर पड़ना बहुत ही मुश्किल हुआ था। अब फिर से हमने अपनी जिंदगी, अपनी लाइफस्टाइल बदल कर जीना शुरू की है। और आपने ये जो लाइफस्टाइल बदली करने का ढंग है, बड़ी अच्छी तरीके से अपनाया है। और पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका स्वागत भी कर रहा हूँ। आती है कठिनाई, आती है आपत्ति, आती रहती है, लेकिन जीवन रुकना नहीं चाहिए। और आज अगर ये आपत्ति नहीं होती तो शायद हम और आप आमने सामने या साथ में बैठकर आज का ये जो एक त्यौहार ही मैं मान रहा हूँ शायद मनाते। मैंने त्यौहार इसलिए कहा क्योंकि जब भी ज्वेलरी, डायमंड ये नाम आते हैं, ये क्षेत्र जब आता है तो स्वाभाविक है त्यौहार इसके साथ जोड़ा जाता है। पहली सालगिरह है या जिंदगी में कई मोड़ ऐसे आते हैं, शादी होती है, तब ज्वेलरी, डायमंड सब उसकी शोभा बढ़ाते हैं। दुनिया का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारा देश, कहते ना अनेकता में एकता, हमारे देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक, चाहे आप कश्मीर से कन्याकुमारी लीजिए या यहाँ से वहाँ तक लीजिए, बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारी परंपरा है, अलग अलग भाषा है, लेकिन भाषाओं के साथ हर चीज़ को अपनी अपनी एक परंपरा है, हर राज्य को अपनी अपनी एक परंपरा है। और वो ही परंपरा राज्य के ज्वेलरी के साथ बदलती हुई दिखाई देती है। शायद इसलिए मैंने कहा कि हिंदुस्तान एकमेव देश ऐसा हो सकता है या होगा, ज्वेलरी हमारी परंपरा है। फैशन एक बात है, लेकिन परंपरा सिर्फ शायद हिंदुस्तान में ही हो सकती है और जिसका हमें गर्व है। आपण सर्वत्र रत्नपारखी आहात। रत्नपारखी का मतलब आप जानते हो कि रत्न को परखने वाला। हीरा, हीरा तो क्या है, कहा तो एक पत्थर है, लेकिन जब उसको कुछ पॉलिशिंग वगैरह सब किया जाता है तो उसकी चमक अलग ही हो जाती है। लेकिन उस हीरे को पहचानना सामान्य बात नहीं है, वो एक नज़र आप में है। ज्वेलरी, डिजाइनिंग, ट्रेडिंग, ये सारी बातें, अगर ये कुशलता किसी में नहीं होगी तो बात आगे ही नहीं बढ़ेगी। और इसलिए हम चाहते हैं कि इस अवसर पर, मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हूँ तो ज़रूर मुझे महाराष्ट्र सिर्फ देश में ही नहीं दुनिया में नंबर वन बनाना है। और मैं इस माध्यम से आपको आह्वान कर रहा हूँ कि आइए, आप और हम, मतलब महाराष्ट्र और आप अलग अलग नहीं है, अलग हो ही नहीं सकते। लेकिन मैं महाराष्ट्र को खास कर ये जो क्षेत्र है ज्वेलरी और डायमंड ट्रेडिंग, पूरे दुनिया का नंबर वन का ग्लोबल ट्रेडिंग सेंटर बनाना चाहता हूँ। आइए साथ में आइए। आज तो हम ऐसे बात कर रहे हैं, लेकिन आप में से कई लोग आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो ऐसे नहीं कि हम एक दूसरे को पहचानते नहीं, पहचान तो हमारी है ही, लेकिन अब इस पहचान को हमारे देश को, हमारे राज्य को आगे कैसे हम लेके जा सकते हैं, इस दिशा में सोचना चाहिए और आगे कदम बढ़ाना चाहिए। ट्रेडिंग एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है ज्वेलरी के लिए और डायमंड के लिए, और मुंबई का महत्व तो आप सभी जानते हैं। शायद पूरे देश में मुंबई नंबर वन ट्रेडिंग सेंटर आज भी होगा, जिसे हम पूरे देश का नहीं, विश्व का बनाना चाहते हैं। और इसीलिए ट्रेडिंग के लिए हो या ज्वेलरी डिजाइनिंग के लिए हो, एक अच्छी इंस्टीट्यूट हम बनाना चाहते हैं। शायद हो भी सकती है, पहले भी मुंबई में हो सकती है या आज भी होगी, लेकिन इसे हम आगे कैसे लेके जा सकते हैं, क्या हम सरकार की ओर से इसे क्या सहायता दे सकते हैं। जो भी हम कर सकते हैं हम करेंगे,
पहले तो एक आभूषण पार्क हम यहाँ बनाने जा ही रहे हैं, उसे भी और क्या चाहिए, आइए चलो हम साथ में मिलकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक मेरी शर्त होगी, जो भी हम करेंगे यहाँ के लोगों को रोजी रोटी का एक अवसर मिलना चाहिए। रोजी रोटी हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, डायमंड तो दे देंगे, ज्वेलरी तो दे देंगे, लेकिन जो बनाने वाले हैं उनको रोजी रोटी कैसे मिलेगी, वही एक बात एक सरकार की नज़र से जब मैं सोचता हूँ, जब मैं देखता हूँ, तो मेरी प्राथमिकता यही होती है कि मेरे राज्य के जितने सारे नागरिक हैं कोई भी भूखा ना रहे। और इसलिए मैं आप सभी को आह्वान कर रहा हूँ कि आइए, एक एक हमारी परंपरा है और परंपरा एक नया रास्ता आज आपने अपनाया है, वर्चुअल। कोई आवश्यकता नहीं है कि जाकर आप देखो, ऐसे भी हम देख सकते हैं जैसे आप दिखाने जा रहे हो। पूरे विश्व को हम हमारी संपत्ति, हमारी परंपरा आज वर्चुअली दिखाने जा रहे हैं। इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक नया तरीका आपने दिखाया है और नया तरीका जब हम अपनाते हैं तो ही प्रोग्रेस होती है। तो इस विकास के लिए और इस प्रोग्रेस के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और जितने सारे लोग आज आपके साथ शामिल है और आगे भी शामिल होने वाले हैं, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब साथ हैं और साथ में मिलकर आगे बढ़ाएंगे अपने राज्य को और अपने देश को, पूरे विश्व में इस क्षेत्र में नंबर 1 बना के ही रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।